नमस्कार जी, आप सभी का स्वागत। बजाज ने सेमी नोवी टायर के साथ न्यू बाइक लॉन्च की है, सिटी 110X। तो इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ। तो गाइस, शुरुआत करते हैं टायर से। टायर इस बाइक के अंदर सेमी नोवी टायर कंपनी ने दिए हैं, और जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो CBS है, कॉम्बाइन ब्रेकिंग सिस्टम। और जो सस्पेंशन पे यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी इसमें दिए गए हैं, लेफ्ट राइट ये दोनों साइड में है। और यहाँ पर मडगार्ड को थोड़ा डैशिंग किया गया है ब्लैक फिनिश के साथ। और जो इसके सस्पेंशन है उसमें यहाँ पर रबड़ भी दी गई है, जैसा कि पहले बजाज बॉक्सर में आता था, सेम वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। और जो बाइक की हेडलाइट है वो गोल दी गई है, और यहाँ पर ये दो गार्ड भी लगाए गए हैं इस पर, ताकि यदि बाइक आगे से फ्रंट में से किसी कार वगैरह में लग जाए तो जो इसकी हेडलाइट है वो आगे से ना टूटे। और यहाँ पर DRL दिए गए हैं, और यहाँ पर लगेगी इसमें नंबर प्लेट। जो इसका वाइजर है वो एयर डायनेमिक बनाया गया है, थोड़ा सा ये स्पीड में वाइब्रेशन वगैरह ना करें। और जो इंडिकेटर है वो प्लेटिना वाले ही इस पे लगाए गए हैं, जो फ्लेक्सिबल है, जल्दी ही टूटेंगे नहीं। और यहाँ पर इसमें जो है पासिंग भी दिया गया है, ठीक है। पासिंग स्विच बहुत ज़रूरी है, वो बजाज ने इसका विशेष ध्यान रखा है। और यहाँ पर इसमें डिपर स्विच वगैरह हाई लो, और यहाँ पर भी इसमें देखिए ग्रिप दी गई है, ताकि कई बार यहाँ पर हम मोबाइल वगैरह लगा लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है स्विच ऑन करने में इस गार्ड की वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस जो मीटर कंसोल है वो एनालॉगिक है, और यहाँ पर ये स्विच है लाइट का। इसकी खासियत ये है, जिसकी हेडलाइट है वो बैटरी पे है, देख सकते हैं बाइक को बिना स्टार्ट किए ही हेडलाइट इसकी ऑन हो जाएगी। यदि हम इसको एक बार ऑफ़ कर देते हैं तो इसका DRL ऑन हो जाता है, जैसा कि दूसरी बाइकों में भी, बजाज की प्लैटिना वगैरह में भी है। और यहाँ पर जो इसकी और बाइक के ग्राफिक्स पूरी तरह से चेंज किए गए हैं। यहाँ पर फ्यूल टैंक पे पैड लगाए गए हैं, और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी सेफ्टी पैड लगाया गया है। कई बार बाइक को हम यहाँ से भी ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करते हैं, कहीं से जैसे कहीं पर फंस जाए तो ये आपको मदद करेगा, स्लिप नहीं होगा। और यहाँ पर पेट्रोल टी दी गई है, ताकि आप बाइक की माइलेज वगैरह नाप सकें। बाइक का फ्यूल टैंक 11 लीटर का है, और रिजर्व है 2.3 लीटर। और ये देख सकते हैं इस पर 110X लिखा हुआ है, देखने में बाइक बड़ी ही डैशिंग लग रही है। और जो इसमें गियर हैं वो 4 दिए गए हैं। और यदि चैन कवर की बात की जाए तो यहाँ पर बजाज ने अब फाइबर का नहीं, जो मेटल का चैन कवर है वो इस बाइक के अंदर दिया है। थोड़ा सस्पेंशन के अंदर थोड़ा कॉस्ट कटिंग की गई है, जो नॉर्मल सॉकर इसके अंदर दिया गया है। और यहाँ पर जो इसका साइड गार्ड है ये बड़ा ही ध्यान से बनाया गया है, जैसा कि रॉयल इनफील्ड में होता है, राजदूत के अंदर भी ऐसा हुआ करता था। तो इससे फ़ायदा है कि यहाँ से जो आपका लगेज वगैरह यदि आप यहाँ पर बांधते हैं तो पूरा सेफ रहेगा। और यदि कैरियर की बात की जाए, कैरियर पे पैड वगैरह लगाया गया है, और कैरियर की मजबूती आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी पैड लगाया गया है। और यहाँ पर भी ये बॉक्सर सिटी के अंदर भी हुआ करता था कुछ इस तरह का, जो इन्होंने यहाँ पर दिया है, थोड़ा सा मजबूती का ध्यान दिया है। और देख सकते हैं आप, बैक लाइट भी थोड़ा सा बॉक्सर सिटी की तरह ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मडगार्ड थोड़ा अलग किया गया है रिफ्लेक्टर के साथ, जो फाइबर का है। और राइट साइड में एक विशेष ध्यान दिया गया है बजाज के द्वारा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक आपको फुट रेस्ट दिया गया है, जिस पर आप कई बार साइलेंसर पर पाँव वगैरह रखते थे, आपका जूता वगैरह जल जाता था, तो अब आप उससे सेफ हैं। और लगेज वगैरह भी अंदर नहीं जाएगा, कई बार यहाँ पर बैग वगैरह हम बांध लेते हैं तो वो भी अंदर नहीं जाएगा। और यहाँ पर जो मफलर कवर है वो सिल्वर दिया गया है, और जो कार्बोरेटर है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक दिया गया है। थोड़ी ये आपका ही फ़ायदा है, यदि इसमें कार्बोरेटर है तो आपको फ्यूल इंजेक्टर की तरह ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा मेंटेनेंस पे। और बाइक DTSI है, डबल प्लग दिया गया है, और यहाँ पर ऑयल फिल्टर भी आप इस बाइक के अंदर डालेंगे जब सर्विस कराएंगे। तो गाइज, अब बात करते हैं आपको बाइक किसको लेनी चाहिए। जिस व्यक्ति के पास उबड़ खाबड़ रास्तों में बाइक ज़्यादा चलती है, गिरती है, टूटती है, तो उसके लिए बाइक बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो मीटर है वो डिजिटल नहीं है, एनालॉगिक है। उसको आप जिस मर्जी मिस्त्री के पास जाके ठीक करा सकते हैं। और कई बार जो व्यक्ति होते हैं वो तीन तीन बाइक के ऊपर बैठ जाते हैं, जब तीसरा व्यक्ति बैठता है तो उसका जूता जो है वो जल जाता है, या फिर जो बैग वगैरह कई बार हम राइट साइड में बांधते हैं वो अंदर चला जाता है और टायर में फंस जाता है। लेकिन इसमें वो यहाँ पर भी गार्ड दिया गया है, जो आपको जूते को और आपके लगेज को बचाएगा। कैरियर देखिए कितना मजबूत कैरियर दिया गया है। कई बार प्लम्बर वगैरह होते हैं ना, प्लम्बर वगैरह जो है इसके पीछे हैवी सामान रख लेते हैं और कैरियर वगैरह टूट जाते हैं, जैसे स्प्लेंडर प्लस वगैरह का टूट जाता है, तो इसमें ये हैवी दिया गया है। सीट इसकी लंबी दी गई है और चौड़ी दी गई है, बड़ी अच्छी बाइक है।
है। और यदि आप यहाँ पर देखा जाए, इसमें हेडलाइट जो है वो गोल दी गई है। कहीं पर जैसे आप टूटे फूटे रास्ते में चलाते हैं, आपकी बाइक बहुत ज़्यादा गिरती है, तो यहाँ पर यदि बाइक गिर भी जाएगी, इंडिकेटर प्लैटिनम वाले दिए गए हैं जो जल्दी टूटेंगे नहीं, और हेडलाइट गोल दी गई है, यदि टूट भी जाए तो शीशा वगैरह अलग से डल जाएगा और आपकी जो पैसे जो हैं वो बच जाएंगे। तो मेरे हिसाब से यदि आप ऐसी बाइक चाहते हैं कि आपको टूटे फूटे रास्तों में चलती भी रहे, गिरती भी रहे और कोई नुकसान ना हो, तो ये बाइक आपके लिए बेस्ट है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता ही है। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।